अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास टेंथ हमने एक्सरसाइज 3.7 के लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1-5 कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बनाकर दे दी थी, अपने वैल्यूज खुद पुट की थी। आज के जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं वो भी मैं ऐसे ही कुछ करूँगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। वह हमारे पास कह रहा है लेबर कॉस्ट सी। लेबर कॉस्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सी के साथ वेरीज कर रहा है, वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन, वेरीज ज्वाइंटली मतलब डायरेक्टली एन एंड द नंबर ऑफ डेज डी। सी वेरीज कर रहा है एन के साथ भी डायरेक्टली और डी के साथ भी डायरेक्टली। तो क्वेश्चन में लेंगे सी इज इक्वल टू आ जाएगा, कॉन्स्टेंट लगाएंगे के एन डी। अब उसे हमें कुछ वैल्यूज दी होंगी जिसको हम यूज़ करते हुए कॉन्स्टेंट फाइंड कर लेंगे। इफ अ कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, सी हमारे पास कितना है 800 फॉर 13 डेज, डेज कितने हैं 13, सॉरी ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं एन, और डेज कितने हैं हमारे पास 13, और राइस कितनी है, प्राइस जो एन कॉस्ट है उनकी, कॉस्ट सी कितनी है उनकी 2,86,000। ठीक है, अब हम इसे पुट करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर 800, डेज 13, कॉस्ट उनकी प्राइस कितनी थी 2,86,000। सी क्या है हमारे पास 2,86,000 इज इक्वल टू के फाइंड कर लेना है। एन हमारे पास कितना है 800 वर्कर्स, डेज कितने हैं 13। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो के इज इक्वल टू 8,68,000 डिवाइडेड बाय 800 एंड 13। डिवाइड करते हैं, पहले हमने 2,86,000 को डिवाइड किया 800 के साथ, और उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 13 के साथ। तुम्हारा आंसर पॉइंट में जा रहा है 27.5। जब हमने के को इन दोनों के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आया 27.5। उसके बाद अब हम देखेंगे कि उसने हमें यूज़ क्या करने के लिए कहा है, फाइंड क्या करने के लिए कहा है। अब हमने के निकाल लिया है, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट सी ही फाइंड करना है। फाइंड द लेबर कॉस्ट सी फाइंड करें, व्हेन वर्कर्स आर 600, जब हमारे पास एन कितना हो 600, पहले 800 था अब 600 है, एंड डेज, डेज कितने हो 12, और डी कितना है हमारे पास 12। वही इक्वेशन लेंगे हम, इक्वेशन 1 सी किसकी इक्वल है के एंड डी के हमने फाइंड कर लिया कितना आया 27.5, मल्टीप्लाई करेंगे एन, एन कितना है 18, डी कितना है 600, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर आएगा तो हम सी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हम इसके जो लास्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट की थोड़ी हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 7-8 बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है दी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इसने हमें के डॉट ई के साथ शो कर रहा है उसको, वो वेरीज कर रही है ज्वाइंटली डायरेक्टली, इसका मतलब एज दी मास एम, ज्वाइंटली मतलब होता है इकट्ठा, तो वो इकट्ठा मैच कर रही है डायरेक्टली किस किस के साथ, इकट्ठा कर रही है एम मास एम के साथ ऑफ दी बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी और वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ, इन दोनों के साथ ज्वाइंटली क्या कर रही है वो डायरेक्टली वेरीज कर रही है। वेरी का निशान ख़त्म करेंगे तो क्या लगाएंगे इक्वल साथ कोई भी कॉन्स्टेंट के एम वी स्क्वायर। अब हम इसने कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, वैल्यू है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 4,320 इज इक्वल टू के फाइंड करना है। मास दिया हुआ है उसने हमें 45 lb एंड द मास इज 45 lb एंड वेलोसिटी इज 24 और वेलोसिटी हमारे पास 24 और उसका स्क्वायर, तो 4,320 ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसे जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो 45 इंटू 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू के।
तो पहले हम इसका स्केयर ले लेंगे 24 का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, और जो आंसर आएगा 4320 को उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने डिटरमाइन करनी है, के डॉट ई हमने क्या करना है, फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है ऑफ 3000 LB ऑटोमोबाइल, और उसकी मास कितना है, उसका वेट कितना है, 3000 LB एंड ट्रैवलिंग 44 ft पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी कितनी है उसकी 44। सेम यही हम इक्वेशन लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, के हमने मास से फाइंड कर लेना है, एम हमारे पास दिया हुआ है 3000, वी भी दिया हुआ है 44 और उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई दोनों चीज़ों से कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। और यहाँ पे हमारी 3.7 कंप्लीट और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। आज के क्लास इतना ही था हमारा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।